हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सपन छेत्री ब्लग। रईपुगु अन्तुडाँडा रुडाँडा को नजारा भी तबर देखा जाने भिडियो हि रहो अन्तुडाँडा। यो उकालो ओह्रालो हिँड्ने बानी चाहिँ हराइसकेको छ कि अहिले उकालो हिँड्दैछु है। अन्तुडाँडाको भ्यू पोइन्ट कता कता छ त्यसलाई छानबिन गर्न जाँदै बाफ्रे र उहाँ साथीहरू पनि डुलिरहेको छ। श्री अन्तु को एउटा होमस्टे छ, हामी त्यहाँ होमस्टेमा बस्ने छौ र यहाँनेरि हामी सँगसँगै यहाँनेरि हाम्रो इन्डियाबाट पनि आउनु भएको रहेछ यहाँनेरि भ्लग गर्नको लागि। र उहाँहरूलाई चाहिँ म थोरै गाइड गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई आज यो विषयमा के कस्तो छ होइन कस्तो छ भन्ने कुरा म थोरै उहाँहरूलाई म हिन्दी भाषामै उहाँहरूलाई म गाइड गर्दैछु। अन्तुडाँडाको रमाइलो दृश्य बाफ्रे हमारा नेपाल हिंदुस्तान से थोड़ा छोटा है, इसलिए पहले हिंदुस्तान के बड़े सर और दूसर में नेपाल के में छोटे सर। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब एक। हाँ, बहुत हमारा हमारा सर ने बहुत अच्छा बोल बोल। कोई देश बड़ा नहीं, कोई देश छोटा नहीं, सब बराबर, सभी मान में सब बराबर है। इंडिया के बॉर्डर खुला है, इसलिए सर हम सब इधर आए हैं। देख सकते हो आप श्री अंतु का बहुत अच्छा व्यू है। बाटा थोड़ा 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 बाटा अलग गारा है, फिर भी गारा होकर भी हम चल रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ सर, बिस्तारी अच्छे से कोशिश करेंगे। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी आपका नाम क्या है? एकदम उकालो उडाले हिँड्ने बानी चाहिँ साँच्चै नै हराइसकेको छ। तर जे होस्, दृश्य अन्तुडाँडाको प्रसन्न दृश्य छ, एकदमै रमाइलो मन तृप्त हुने नजारा। र हेर्नुहोस् नजदिकबाटै अन्तुडाँडाको पोखरी। र यो अन्तुडाँडाको एकदमै सुन्दर एकदमै रमाइलो दृश्य र हामी सबै साथीभाइहरूले यहाँ रमाइलो गरिरहेको छौँ। यहाँ आउनुहुँदैछ योगेश सर। अच्छा, विनी टाटा
बहिनी बहिनी यहाँबाट है बहिनी कहाँबाट अन्तुबाटै हो ओके बहुत अच्छा नजरिया आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेहरबान मारवान दरवान बहुत अच्छा है। मुलाकात होके एकदम अच्छा लगा, हम लोगों को हम लोगों को सहयोग मिला, हम लोगों की हेल्प मिल गया, हम लोगों को सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को इस तरह से यहाँ का पूर्ण दृश्य के बारे में हम लोगों को जानकारी दिया, इसके लिए आपको मेरा दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी, आपने भी मुझे मौका दिया आपको गाइड करने के लिए, आपने मुझे विश्वास किया। विश्वास, विश्वास हिंदी में क्या बोलता है सर? विश्वास, भरोसा। भरोसा, आपने मुझे मेरे को भरोसा किया, मेरे को आपने गाइड करने दिया, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे भेटकर सर। अब हम आप और मैं मिलकर नेपाल और इंडिया के संबंध और प्रगाढ़ बनाने के कोशिश करेंगे। हाँ सर, एकदम दोनों देश मिलकर एक छोटा सा एक ठो दोस्ती, एक बड़ा दोस्ती, एक देश का मित्रता का संबंध को आगे ले जाएंगे। मैं भी बहुत कोशिश करूंगा सर, हमारा नेपाल और इंडिया का संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए। और लोग कहते हैं नेपाल और इंडिया का संबंध रोटी और बेटी का है, हाँ बहुत, मैं भी बहुत खुश हूँ रोटी और बेटी बोलकर। सर आप क्या बोटिंग करना चाहते हैं सर? बोटिंग तो शायद करना पड़ेगा, होगा बोटिंग। आपको स्विमिंग आता है सर? स्विमिंग नहीं आता। स्विमिंग नहीं आता, ये पानी बहुत ठंडा है सर। ठंडा इतना गहरा कितना है? बहुत गहरा है। अगर आपको पौड़ी खेलने नहीं आता है, स्विमिंग खेलना नहीं आता है, आप डूबी सकते हो सर। डूबी सकता है। अगर आपको कुछ हुआ तो, मेरे मेहमान को कुछ हुआ तो मैं नहीं जी सकता हूँ सर, इसलिए आप अच्छा ये बात है कि आप बोटिंग मत करिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बोटिंग नहीं करेंगे सर, दृश्य खाली देखेंगे। दृश्य देखेंगे हम। ठीक है, हम दृश्य देख कर मजा उठाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा सर को गाइड करने के लिए, कुछ भी कमी नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा देश का सवाल है, हमारा देश का शान है। अगर एक अच्छे नेपाली अपना खर्च अच्छे से निभाता है, सर आइए जल्दी आइए सर। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है सर आपको पता है? ये हाँ, घोड़ा का क्या लीदी बोलते हम लोग, घोड़ा का लीदी। ये घोड़ा का लीदी नहीं है सर। क्या ये? ये घोड़ा का लीदी नहीं है, ये नेपाली बाखरा है ना, बाखर बाखरा का लीदी है ये। बाखरा की इंडिया के तुलना में नेपाली बाखरा बहुत बड़ा है। ओ बाप रे, बहुत बड़ा है। देखिए ये नेपाली बाखरा के लीदी है ये। ठीक है, ये भी नेपाली बाखरा का लीदी है। लीदी और पोटी, पोटी हम बोल सकते पोटी पोटी पोटी। हाँ, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर जो जो ये बकरा डुलाता है, कृपया ये पोटी भी सफा करिए, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है ना सर? एकदम ये अच्छा नहीं होता। थोड़ा साफ सुथरा रखने से टूरिस्ट को और आकर्षण करता है ये, करता है, क्योंकि सब चीज हम लोगों को हाइजीनिक रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर इतना टूरिस्ट का आते जाता रहता है, हाँ। तो यहाँ का सुंदरता ही सबसे प्रमुख होना चाहिए, हाँ। और देखिए दोस्तों, हमारा सर ने भी बता दिया कि एकदम सफा सुथरा हाइजीनिक होना चाहिए। मेरा जो जी व्यूअर्स इधर श्री अंतु से है, कृपया सफा सुथरा रखिए। देखिए हमारा सर इतना मग्न हुआ, इतना मगाना हुआ मेरे ये गाइड से कि सर ने अपना अपना सेल्फी स्टिक का वो बटन भी झाड़ दिया है, पर किधर झाड़ दिया है मेरे को भी मालूम नहीं है। मेरे को लगता है फिर से घूमना पड़ेगा वो सेल्फी स्टिक का बटन खोजने के लिए। कि भैया मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा भाइयों, मेहरमान कदरवान पहलवान, मेरा जो जो सब्सक्राइबर है, कृपया हमारा सर को, सर के चैनल को सपोर्ट करिए।
सपन छेत्री ब्लॉग। हमारा सर का चैनल का नाम है सपन छेत्री ब्लॉग्स, कृपया ब्लॉग्स, कृपया सब मेरा प्यारा दोस्तों आइए हमारा सर का चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट हमारा सर देता है, वो कंटेंट आप सबको देखना चाहिए, थोड़े मजे में लेना चाहिए। हमारा इधर दूसरा सर है, दूसरा सर भी इधर वीडियो कर रहा है। मैं सर को पूरी कोशिश करूंगा सर को गाइड करने के लिए। सर आपको ये हाँ कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत जगह, दामी जगह, बहुत ही अच्छा जगह है। सर को थोड़ा थोड़ा नेपाली भी आता है, थोड़ा थोड़ा घूमने का लागि एकदम राम्रो जगह। जी बिल्लू आजको यो अन्तो डाँडा ब्लग पनि यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। सायद तपाईँलाई यो ब्लग पनि मन पर्यो होला, र फेरि नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई च्यानल, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।